स्थानीय नागरिकों की मांग पर विधायक व स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन ने वार्ड 53 पोटिया कला उत्तर का निरीक्षण किया। वहीं निगम नेता प्रतिपक्ष के वार्ड में समस्याओं का अंबार देख विधायक वोरा ने विकास कार्यों के लिए 17 लाख रुपए की स्वीकृति दी। स्थानीय नागरिकों की मांग पर वरिष्ठ कांग्रेस विधायक स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन अरुण वोरा ने वार्ड 53 पोटिया कला उत्तर का निरीक्षण किया। वहीं निगम नेता प्रतिपक्ष के वार्ड में समस्याओं का अंबार देखकर विधायक वोरा ने विकास कार्यों के लिए मंजूर किए 17 लाख रुपए। गौरतलब है कि सड़क नाली निर्माण पुलिया नाली व नाले की सफाई न होने जैसी समस्याएं बताते हुए नागरिकों ने कहा कि वार्ड में न तो नियमित सफाई हो रही है न सड़क नाली का निर्माण किया जा रहा है। वोरा ने समस्याओं का जायजा लेने के बाद कहा कि नागरिक समस्याओं का शीघ्र निराकरण किया जाए। वार्ड के स्थानीय नागरिकों के आग्रह पर वोरा ने वार्ड का दौरा करते हुए वार्ड के विकास कार्यों की हालत देखने के बाद सड़क डामरीकरण सीमेंटीकरण व गार्डन में विभिन्न कार्यों के लिए राशि मंजूर की। इस मौके पर वोरा ने नागरिकों की मांग पर विधायक निधि से पिज्जा सेंटर से अर्चना शर्मा के निवास तक सड़क डामरीकरण कार्य के लिए 10 लाख रुपए और गार्डन में झूले व ओपन जिम आदि के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत किए। इसी तरह कोल्हे निवास से गार्डन के गेट तक सड़क सीमेंटीकरण कार्य के लिए वोरा ने 5 लाख रुपए मंजूर किए। वोरा ने आश्वस्त करते हुए कहा कि वार्ड में विकास कार्य कराने में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। साथ ही स्थानीय नागरिकों ने विधायक को नाले की हालत दिखाते हुए सफाई कराने का आग्रह किया। वोरा ने स्वास्थ्य अधिकारी गिरीश दीवान को निर्देश देते हुए कहा कि वार्ड में नियमित रूप से सफाई कराएं। सड़क नाली और सफाई के साथ ही बारिश से पहले नाले की सफाई हेतु निर्देशित किया। वहीं नागरिकों ने बताया कि नाले की सफाई न होने पर बारिश का पानी घरों के अंदर भर जाएगा। इस दौरान वार्ड भ्रमण में वार्ड के स्थानीय नागरिक के साथ निगम अधिकारी उपस्थित रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गसेन नसीम फारूकी की रिपोर्ट।